इस ट्यूटोरियल हम जानेंगे किस तरह से हम शीट मेटल डिज़ाइन में काम करते हैं और कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से हम एक शीट मेटल डिज़ाइन तैयार करते हैं। नाउ यहाँ पर आपके पास है स्टार्टअप मेन्यू, लेट्स गो इन शीट मेटल डिज़ाइन। आप पहले मैकेनिकल डिज़ाइन में जाएंगे, उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो आपको मिलेगा जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन। आप इसे क्लिक कीजिए, ओके, नाउ यू आर इन शीट मेटल डिज़ाइन। नाउ अगर आप देखें फिलहाल कोई भी टूल एक्टिवेटेड नहीं है, बिकॉज जब भी आप शीट मेटल डिज़ाइन में काम करते हैं तो आपके पास इनिशियली एक प्राइमरी शीट होनी ज़रूरी है विद द पैरामीटर्स। तो अगर आप यहाँ देखें ये टूल बार है वॉल्स का, तो सबसे पहले आप एक प्राइमरी वॉल क्रिएट करेंगे। प्राइमरी वॉल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले उसे पैरामीटर्स देने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो पहला टूल बार है आप इसे करें शीट मेटल पैरामीटर्स, लेट्स गिव द शीट मेटल पैरामीटर्स, आप इसे क्लिक कीजिए। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपके पास शीट मेटल पैरामीटर्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखें पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि जो आप शीट की थिकनेस लेना चाहते हैं वो कितनी लेना चाहते हैं और जहाँ बेंड रेडियस है वहाँ पे क्या थिकनेस हो। तो फिलहाल हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं 2 mm थिकनेस एंड डिफॉल्ट बेंड रेडियस इज 4 mm। नाउ अगर आप यहाँ देखें बेंड एक्सट्रीमिटीज, तो बेंड एक्सट्रीमिटीज में आपसे पूछता है जब आप रिलीफ देना चाहते हैं तो किस तरह का रिलीफ हो। तो आपको चाहिए नो रिलीफ चाहिए, स्क्वायर रिलीफ चाहिए, राउंड रिलीफ चाहिए, तो आप इस तरह से रिलीफ दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ स्क्वायर रिलीफ। तो इसके पैरामीटर आपसे पूछ रहा है L1 L2। बेसिकली रिलीफ वो जगह होती है जैसे ही जहाँ पे आपको बेंड आप करते हैं तो वहाँ एक पर्टिकुलर थोड़ा सा एरिया छोड़ा जाता है, जगह छोड़ी जाती है, उस चीज़ को हम रिलीफ कहते हैं। नाउ आगे आप देखें दिस इज बेंडिंग अलाउंस। बेंडिंग अलाउंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी मदद से आप एक प्रॉपर बेंड अलाउंस प्रोवाइड करते हैं शीट मेटल को। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है दैट इज के फैक्टर। नाउ आई एम प्लेसिंग इट ओके। नाउ अगर आप देखें तो सारे के सारे टूल आपके पास एक्टिवेटेड हो चुके हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अ प्राइमरी वॉल। तो आप प्लेन ले लीजिए। नाउ गोइंग इन स्केचर। नाउ आई एम क्रिएटिंग अ प्राइमरी वॉल, एक स्केच मैंने क्रिएट कर ली है, आई एम गोइंग आउट ऑफ इट। नाउ अगर आप यहां देखें इसके बाद आपके पास वॉल है, आप इसे वॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप क्लिक कीजिए इसे। तो फिलहाल ये आपसे पूछ रहा है किस तरह की वॉल आपकी। दिस इज सेक्शन, दिस इज सिलेक्शन स्केच 1, टेंजेंट 2, और किसी पर्टिकुलर चीज का टेंजेंट तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज मेक इट ओके। इसकी प्रॉपर जो थिकनेस आ चुकी है फिलहाल 2 mm थिक, क्योंकि जो आपने पहले पैरामीटर्स दिए उस हिसाब से आपकी शीट आ जाएगी। नाउ वी हैव सम मोर थिंग्स हियर लाइक वॉल ऑन एज, जैसे कि दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल जो कि एक पर्टिकुलर प्राइमरी वॉल के ऊपर लगती है, इनके बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है। नाउ मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ वॉल ऑन एज, इसका मतलब मैं एक एज पे वॉल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह की वॉल हो। नाउ सी, तो आपके पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स है, ये डायलॉग बॉक्स आपको बता रहा है किस तरह से आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सी दिस इज डायमेंशन रेफरेंस, कितनी हाइट चाहिए आपको, आप हाइट मेंशन कर सकते हैं बाय वैल्यूज। और जैसे मैं इस एच को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो पर्टिकुलर इस हाइट की आपके पास वॉल आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखिए लिमिट 1 है, लिमिट 2 है, तो आप इससे थोड़ा ड्रैग सेट करके आप वॉल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखें आपके पास यहाँ एंगल मेंशन है, अगर देखें ये वॉल जो क्रिएट हुई हुई है दैट इज अलॉन्ग 90 degrees, तो अगर आप अपने वॉल को किसी पर्टिकुलर एंगल पे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास ये पूछ रहा है कि विद बेंड, अगर आप इस जो वॉल क्रिएट कर रहे हैं ये विद बेंड के साथ है या बिना बेंड के साथ है। अगर आप चाहते हैं बेंड के साथ है, आप विद बेंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, देन प्लेस इट ओके। जैसे आप ओके क्रिएट करेंगे यहाँ पर एक वॉल क्रिएट हो जाएगी एज के ऊपर, और देखिए अगर साइड में आपके पास यहाँ पर फिलहाल एक रिलीफ भी आ चुका है। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ प्राइमरी वॉल एंड अ सेकेंडरी वॉल। नाउ वी हैव फ्रॉम सम मोर ऑप्शंस किस तरह से हम आगे काम करते हैं। हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे अगले ट्यूटोरियल में।